नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, खुशबाश हैं और हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कल हम लोगों ने एक फर्स्ट टाइम हॉलीवुड की हॉरर मूवी अपकमिंग हॉरर चंद्रमा का दिया था रिएक्शन, और वो आप लोग बता रहे हैं कि पैन इंडिया फिल्म है वो, जो है ना दमन भी पैन इंडिया थी और वो भी पैन इंडिया है। अभी कल मुझे बहुत सारे हम लोगों को ना मैसेजेस भी आ रहे हैं यहाँ पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि फल्गुना क्षेत्रा, इसका मतलब कि हमें नहीं पता इसकी, आप हाँ टीज़र देखें। तो आप लोग सजेस्ट करते रहते हैं हमें और हम उनको देखते रहते हैं, हमारी हेल्प भी होती रहती है क्योंकि हमें हॉलीवुड का भी कम ही पता है। अच्छा, तो सामने एक वीडियो प्ले के जो पॉज हुआ है ना, जिसने घर में एक कैंडल सी जल रही है, उसको देखे, थोड़ी सी हॉरर फील आ रही है। अब ये मुझे नहीं पता हॉरर है कि नहीं है, बहरहाल लोगों ने कहा है इसको देखो। तो पार्थ सारथी रे, अनन्या मिश्रा इसमें है और बी एम वैशाली भी लिखा हुआ है। तो आद्या जगदेव फिल्म्स चैनल है जिससे ये टीज़र हमारे पास है, एंड इसको देखते हैं। सबटाइटल्स कोई भी नहीं हमारे पास, लेकिन हमें काफ़ी समझ आ जाती है देखने से ही। तो देखते हैं, देखने के बाद हम अपनी राय आपके सामने रखेंगे, ट्रेलर वगैरह कैसा लगा हमें। सो स्टे विद अस। आद्या जगदेव, नाइस नाइस। गाँव में बनी हुई शायद, यहाँ कोई मसला तो नहीं होगा पिक्चर में। अच्छा नहीं, हॉरर नहीं है शायद, नहीं कोई ट्रेजेडी कुछ हो सकता है। ओके यार, सो सबसे पहले तो जो इसका नाम है ना, फल्गुना क्षेत्रा, वो एक कहीं पे पढ़ते भी हैं बीच में, और एक सिंपलिसिटी जो गांव की लाइफ दिखाई मुझे अच्छी लगी, और बैकग्राउंड पे जो भी साउंड चल रहा था ना, पहले कोई और एक एक्ट्रेस दिखाई है जो पिक्चर्स ले रही है, एंजॉय कर रही है नेचर, उसके बाद फिर एक और भी आती है, टेंस थोड़ा सा माहौल आता है, उसके बाद टेंशन थोड़ी सी, रोना वगैरह, और पीछे बहुत एक सूदिंग आवाज, बहुत प्यारी, बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, हमिंग कर रही हूं। और तो मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि ओडिया फिल्म्स की ना सिंग पीछे जो गाने चल रहे होते हैं मुझे अच्छे लगे, और सिंपलिसिटी मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि हर फिल्म की ज़रूरत नहीं होती कि आप उसको अच्छी बाहर की लोकेशंस पे ले जाओ। इंडिया इतना खुद खूबसूरत है, देखें कितना प्यारा ये लग रहा था, गांव विलेज वाला माहौल जो है ना, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। अब बेसिकली समझ नहीं आया कि दो और बीच में दिखाए हीरोज भी है ना, अब हीरो भी कौन है वो तो आप लोग हमें बता सकते हैं, और रो रहे हैं एंड में, थोड़ी टेंशन बनी हुई है एंड में, वो भाग रही है, उनके पीछे कोई भाग रहा है, इस तरह दिखाया। तो टीजर था, टीजर वैसे भी थोड़ा सा अक्सर इतनी चीज़ें नहीं बताता कि मूवी में क्या है ना, वो ट्रेलर थोड़ा ज़्यादा और रिवील करता है, और ऐसे टीजर ट्रेलर अच्छे होते हैं जो थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ते हैं। और इसका मतलब क्या है हमें ज़रूर बताइएगा, फाल्गुना क्षेत्रा का मतलब क्या है हमें ज़रूर बताइएगा, एंड जो हमारी ख्यालात थे वो आपके सामने रख दिए हमने। म्यूज़िक भी अच्छा लगा, फिल्मिंग भी अच्छी लगी, लोकेशन भी अच्छी लगी, सिंपलिसिटी अच्छी लगी, बाकी इतना ही समझ आया। तो आई होप आपको भी हमारे साथ देखने में अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटोज स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। सो इसी तरह आपके लिए हम लोग नए नए और डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस लाते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखें।